अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। तो अभी तकरीबन 12 बज चुके हैं, तो मैं छत पे आया था शुजू वगैरह का पानी वगैरह चेक करने के लिए और देखने के लिए, क्योंकि अब्बू सुबह आए थे छत पे उन्हें पानी वगैरह डालने के लिए। तो अब्बू कह रहे मैंने ये गुड्डा खोला है तो अंदर सिर्फ दो चूजे थे, सिर्फ दो। तो अब्बू कह रहे मैंने देखा बाकी कहाँ गए पे गए, तो वो चूजे यहाँ पे फिर रहे थे जनरेटर के पीछे। तो पता नहीं कैसे यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे ईंटें वगैरह भी रखी हैं ताकि कोई स्पेस जो है बाकी ना रहे, लेकिन फिर भी वो कहीं से निकल जाते हैं, समझ नहीं आ रही। ये एक स्पेस है तो बाकी सारी बंद है, और ये होगी इस पर, तो यहाँ कहीं से निकल जाते हैं, समझ नहीं आती कि कैसे निकल जाते हैं भाई। तो फिलहाल पानी वगैरह डाला हुआ और वो बैठे कॉर्नर पे। अभी इसे दोबारा से ना अच्छी तरह से बंद कर देते हैं ताकि कहीं दोबारा फिर ना बाहर निकल जाए। तो इसे अच्छी तरह से स्पेस सारी ख़त्म करके ना बंद करते हैं ताकि बाहर ना निकल सकें ये चूजे। ये बाहर निकल जाते हैं ना फिर काम सारा ख़राब हो जाता है। ये अब देख सकते हैं कहीं से स्पेस मैंने छोड़ी नहीं वैसे, लेकिन ये अब भी निकल गया तो फिर पता नहीं कैसे निकलेंगे। तो ये लगा देते हैं इसके कुंडे। चलो भाई, तो अभी फिलहाल इस रूम की जो है वो सफाई हो रही है। तो यहाँ पे पहले सारा सामान पड़ा हुआ था भाई का, तो जो कि भाई इस्लामाबाद ले गए। तो यहाँ पे अम्मी ने दोबारा दो चार पहिए हैं जो है ना वो रख के तो ऊपर छत वगैरह बिछा दी है, कितना खुला खुला सा कमरा लग रहा है यहाँ से। तो वो हमारा पड़ा है टीवी जो कि बहुत ज़्यादा पुराना है। तो ये ट्राली भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी जो मैं शवार वगैरह इस्तेमाल करता रहा हूँ। तो ये मेरे बटर पेपर भी यहाँ पे पड़े हैं, शापर वगैरह जो कि मैंने अभी लाए थे, इस्तेमाल ही नहीं किए वैसे ही पड़े हैं, और पुराने तो पड़े ही पड़े, नए भी पड़े हैं। तो इतने ज़्यादा शापर मेरे पास पड़े हैं, टिश्यूज़ वगैरह भी पड़े हैं, सारा कुछ ही पड़ा सामान यहाँ पे। तो शवार में मैंने बंद कर दिया। अभी जो लाइट है वो भी चली गई है तो इसलिए थोड़ा सा अंधेरा है। और अम्मी जी ने जो ये चादर बिछाई थी तो वो अभी कह रहे हैं कि ये उठा लो क्योंकि ये चादर थोड़ी सी न्यू है तो यहाँ पे गंदी हो जाएगी मिट्टी पर पड़ के, तो नीचे से ये चादर लेके आए। तो ये यहाँ पे बिछा देते हैं और ये वाली चादर यहाँ से उठा लेंगे क्योंकि यहाँ पे आना तो किसी ने है नहीं लेटने के लिए, तो यहाँ पे मिट्टी पड़नी है और मिट्टी पड़ पड़ के ना ये सारी गंदी हो जानी। तो ये पुरानी चादर लेके आए तो ये यहाँ पे बिछा देते हैं। चादर जो है वो बिछ चुकी है, तो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सी मेरे घर मैंने बिछा दी है, जैसी भी है बिछ चुकी है। तो ये चादर उठा के नीचे ले जाएंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में शेयर कहा था कि बहुत सारी अपडेट्स हैं जो मैंने आपको देनी है, उनमें से जो सबसे बड़ी अपडेट है तो अभी मैं आपको वो देने जा रहा हूँ। तो वो अपडेट है जी ये पहचाने ये कौन सी गाड़ी खड़ी है हमारी, वो कल्टस कार तो ये नहीं है, आप अभी पहचाने ये कौन सी गाड़ी है क्योंकि कवर के अंदर है। तो पहचाना मेरा ख्याल है कि 95% लोगों ने पहचान ली होगी कि ये कौन सी गाड़ी है। तो अभी पर्दा हटाते हैं, अगर अभी तक आपने नहीं पहचानी ये गाड़ी है तो समझ तो गए होंगे आप भी। ये है जी वैगनार VXR, तो हमने ले ली है ये वाली गाड़ी। हमने क्या मुबीन भाई है जो हमारे, तो उन्होंने ये गाड़ी खरीदी है, तो वो हमारी गाड़ी इस्लामाबाद ले गए। तो अपनी गाड़ी अभी उनकी रजिस्टर नहीं हुई तो यहीं पे खड़ी है, तो मैं ही चलाता हूँ। तो आज वैसे मैं चलाऊंगा नहीं, आपको सिर्फ दिखाऊंगा कि इसके क्या फीचर्स हैं। और VXL हमने लेनी थी तो जो कि हमें मौके पर मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से हमने फिर VXR ही ले ली। आपको फीचर्स बताऊंगा और उसमें और इसमें जो फर्क है वो आपको बताऊंगा कि क्या क्या फर्क है। तो पहले इसका कवर जो है उठा दूं ताकि आपको जो कार है वो भी ठीक से नजर आए। तो ये करिए मेरी बाइक तो कितनी ज्यादा गंदी हो गई है, तो मैं इसे दिलवाता नहीं हूँ ताकि कोई बिजली वगैरह का जो मसला है तो शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो जाए, तो इसलिए मैं दिलवाता नहीं हूँ, साफ ही कर लेता हूँ हल्की हल्की सी। और इसमें भी लाइट्स डलवाई है तो किसी वक्त वो भी आपको दिखाऊंगा। इसकी जो लाइट्स है उस मोटरसाइकिल से ज्यादा अच्छी थी, महंगी है लेकिन उन लाइट्स ने काफी ज्यादा मजा करवाया, तो ये भी आपको दिखाऊंगा। आपने फैसला करना है कि ये अच्छी थे वो अच्छी थी। तो अभी फिलहाल इसका कवर है वो उतारते हैं चुटकी मार के। तो जी कवर जो है मैंने आधा उठा दिया क्योंकि पूरा नहीं उतार सकता, क्योंकि अगर उतार दिया तो फिर बाद में चढ़ाना हो मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह व्हाइट कलर की गाड़ी ली है हमने, तो काफी ज्यादा प्यारी लग रही है वैसे गाड़ी। तो अभी आपको अंदर से दिखाता हूँ अंदर से कैसी है। लॉक मेरे ख्याल लगाए थे, मेरे ख्याल खोल दिए थे बाद में, तो अंदर से जी ऐसी है। तो अभी अंधेरा आ रहा है, ये लाइट है इसकी और यहाँ पे टच स्क्रीन जो है वो लगाई गई है, और RPM मीटर नहीं है इसमें, इसमें सिर्फ स्पीडोमीटर है। तो मैं बता रहा था कि हमने VXR लेनी थी और VXL लेनी थी। बाय द वे इसका AC जो है वो काफी ज्यादा अच्छा है, तो 1 पे हम चलाते हैं तो गाड़ी एक मतलब ठंडी हो जाती है अच्छी तरह से। डैशबोर्ड में कितनी ज्यादा मिट्टी है, खड़ी खड़ी में मिट्टी पड़ गई मेरे ख्याल से, तो थोड़ी सी साफ भी कर देते हैं
तो ये बाय द वे हमने तस्बीह भी लटका दी, कितनी प्यारी खूबसूरत लग रही है ये तस्बीह यहाँ पे लटकी हुई। फीचर्स की बात कर लेते हैं, तो जो VXR है वो थोड़ा सा बेसिक मॉडल है, तो मैंने बता दिया कि हम वो लेने गए थे VXL, लेकिन हमें वहाँ पे एट अ टाइम नहीं मिल रही थी, तो इसलिए हमने ये ले लिया VXR। तो जो फीचर उसमें थे तो इसमें नहीं है। तो इसमें जो पहला फर्क यह है कि इसमें पावर विंडोज नहीं है, इसमें जो होती है नॉर्मल जो पुराने जमाने की चलती आ रही है हाथ वाली वही है। इसमें आरपीएम मीटर नहीं है, VXL में आरपीएम मीटर था और अंदर से मेरा ख्याल कोई चेंज नहीं है, बाकी बाहर से चेंजेस हैं तो वो आपको दिखा देते हैं। VXL में अलॉय रिम थे, तो इसमें सिंपल रिम है, जो कि अलॉय रिम हमें पसंद नहीं आए उसके, तो हमने कहा हम अपने डलवा लेंगे अगर जरूरत पड़ी, फिलहाल यही ठीक है। और यहाँ पे जो है जगह यहाँ पे वहाँ पे फोग लैंप लगे हुए थे, तो इस पे लगवाने पड़ेंगे, तो हमें फोग लैंप भी फिलहाल नहीं चाहिए थे, तो हमने कहा ठीक है इसे ऐसे ही रहने देते हैं। और इसका एक ये था मिरर जो कि बॉडी के कलर के साथ मैच कर रहा था। अगर कोई और फीचर हो रह गया मेरे से तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जितने मुझे याद थे कि जो हमने नोट्स किए थे तो वो, हाँ एक था सेंट्रल लॉक, सेंट्रल लॉक इसमें नहीं था तो उसमें था, तो हमने इसमें लगवा लिया अपना ही, तो उसमें जो था वो कंपनी की तरफ से फिटेड था, तो ये हमने अपना लगवाया, इसकी ज़रूरत थी हमने, इसलिए सिर्फ हमने ये वो सेंट्रल लॉक लगवा लिया, बाकी किसी चीज़ की हमें इतनी अशद ज़रूरत नहीं थी कि जो हम उसके लिए इतना ज़्यादा पे करते, और वैसे भी गाड़ी वहाँ में मौजूद ही नहीं थी तो हम पे करते। अगर मैं फैसला बनाना गया इसकी नुमाइश लेने के लिए तो फिर इसे बाहर निकालेंगे, एक गेड़ी लगा के आएंगे, तो मुझे अभी कॉल करनी है, मैंने उससे पूछना है कि इसकी नुमाइश आई कि नहीं आई, तो फिर उसकी नुमाइश लेने के लिए फैसला बाहर जाएंगे। तो अभी मैं कॉल करके पूछने लगा हूँ सुजुकी मोटर से, तो क्या हमारे कागजात पहुँच गए हैं कि नहीं, तो अभी कॉल करते हैं देखते हैं उठाते हैं कि नहीं उठाते, स्पीकर ऑन कर देता हूँ। अगर आपको अपना मतलूबा एक्सटेंशन नंबर मालूम है तो डायल कीजिए, वरना सेफ के लिए 11, पार्ट के लिए 12, सर्विसेज के लिए 13, बॉडी शॉप के लिए 14, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 15, अकाउंट्स के लिए 16 मिला, शुक्रिया। 16 मैंने मिला दिया, अब पता किसे कॉल जाती है, देखते हैं। बंद हो गया, उन्होंने उठाया नहीं है, दोबारा करके देखते हैं, तो अभी उठा नहीं रहे, सुबह से मैं कर रहा हूँ बार बार, अभी दोबारा करके देख लेते हैं अभी कौन सी एक्सटेंशन बता रहा है। पहले मैंने 16 पे किया था अकाउंट्स पे, अभी देखते हैं सेल्स पे करते हैं 11 पे, 11 मैंने क्लिक कर दिया, देखते हैं सेल्स वाले उठाते कि नहीं, पहले मैंने गलत मिला दिया था अकाउंट्स का। अस्सलाम वालेकुम, नहीं अभी नहीं उठाया। वालेकुम सलाम, सुजुकी बुज मोटर्स, जी जी हमजा भाई बैठे हैं, उनसे बात करनी थी। तो पता करना था कि हमारी हमने गाड़ी ली थी वैगन आर, तो उसके कागजात पहुंच गए कि नहीं पहुंचे, इनवाइस वगैरह ठीक है? अभी नहीं आई, चलें ठीक ठीक ठीक, ओके थैंक यू। तो अभी कॉल करके पता चल गया है कि अभी इनवाइस नहीं आई हमारी गाड़ी की, तो आज मैं फैसलाबाद फिर नहीं जाऊँगा इनवाइस लेने के लिए, देखेंगे कॉल आएगी कब आएगी, तो अभी इनवाइस फिलहाल नहीं है। अभी तकरीबन 5 बज चुके हैं, तो मैं जो है कहते हैं चावलों का टोटा वो लेके आ गया हूँ, तो बाजरा तो वगैरह खाते नहीं, तो मैंने कहा आज टाइम से इनको डाल देता हूँ, कल तो बहुत काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, तो ये खा भी लेंगे कुछ भी, तो आज इसे टाइम पर डाल देते हैं ताकि ये खा लें। यहाँ पड़ा है चावलों का टोटा पड़ा है, ये बाजरा पड़ा है, अभी खा नहीं रहे, पता नहीं क्यों भूख नहीं लगी कि वैसे मेरे से डर रहे हैं, पता नहीं, चलो भाई खा लो। हाँ
फ्रेंड सर्कल में कि राशि जो है वो काफी ज्यादा है, तो मुझे डर लग रहा है कि कोई यहाँ से आके टोक नहीं आ रहा है, गाड़ी नहीं हमारी, तो ये देखे बाइक वाला, तो डर लग रहा है इस तरह के बंदों से। अभी गाड़ी मैं ही चला रहा हूँ, भाई ने तो सिर्फ थोड़ी सी चलाई है, बाकी उसके बाद से मैंने ही चलाई है सारी गाड़ी, तो इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा है कि ताकि रश वाली जगह से ध्यान से गुजार लूँ, ताकि कोई भी टच ना करे हमारी गाड़ी को। मसला कह रहे थे हमारी गाड़ी जो है भाई के वाले में कर दो तो ये मैं बस आज इसलिए निकली, मैंने कहा आपको जो ब्लॉग में आपको भी गाड़ी की राइड दे दूँ, ताकि आप ये ना कहेंगे हमें गाड़ी में झूला नहीं दिया तो राइड ही करवाई, तो वो करवाने आया मैं आपको, तो वैसे मैंने निकाल नहीं ली थी, तो आज वैसे भी इंशाल्लाह ताला जो गाड़ी है ये मैं मेरे ख्याल से मैं जो कि 0 मीटर कह लेंगे अनरजिस्टर्ड गाड़ी चला रहा हूँ आज, इसके बाद ही चला जब चलाएंगे तो रजिस्टर्ड होगी, तो कागजात जो वगैरह इसके पहुँच चुके हैं, तो खबर मिल गई है कि दूसरी तरफ से पता किया था तो वहाँ पे कागजात जो है वो पहुँच चुके हैं। चले जी खैरियत से घर पहुंच चुके हैं, तो अभी गाड़ी को अंदर खड़ी कर देते हैं आराम से, और इस व्लॉग को यहीं पे खत्म कर देते हैं। अगर आपको आज वाला व्लॉग अच्छा लगा है तो इसे पहले सब्सक्राइब चैनल को लाजमी करें और वीडियो को लाइक करें और इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।